सालों के बाद आते हैं तो अचानक से बदलू उन्हें पहचान नहीं पाता है, और जब वो पहचानता है तब तक उन्हें लेखक पूछते हैं कि आपका काम जो है वो सारे बंद हो गया है। तो लेखक बदलू कहता है कि हाँ, आजकल गांव में लाख की चुड़िया कोई नहीं पहनता, मशीनी युग आ गया है और मशीन से ही कांच की चुड़िया बनता है। तो उससे आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा, लेखक ने कहा, ठीक है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। कौन? बदलू। तो मुझे लगा उसे दमा है, मतलब अस्थमा, सॉरी। तो मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था और बदलू बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आए थे, मतलब जो हाथ और माथे पर नस उभर आए थे, ठीक है, नस जो है वो बाहर दिखाई दे रहा था, ठीक है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। तो बदलू कहता है लेखक को कि मुझे दमा नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मुझे फसली खांसी है, मुझे ऐसे ही सर्दी और खांसी है, ठीक है। यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। कौन? लेखक। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हार काट दिए हैं, मतलब मशीनी युग ने हाथ काट दिए का मतलब कितने लोगों का काम बंद कर दिए, रोजी रोटी बंद कर दिए, उनका जीना मुश्किल कर दिया है, ठीक है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक सोच रहे हैं कि बदलू के जीवन में कोई बड़ी सी व्यथा है, छिपी हुई है, जो बदलू नहीं बता रहा है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो लेखक कुछ समय चुप रहने के बाद विषय को बदलने के लिए क्या पूछते हैं कि आजकल आम का फसल कैसा है काका? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे बच्चो लल्ला के लिए आम तो ले आओ। तो लहक कर मतलब बूढ़ा हो गया था, थोड़ा सा हिलडुल कर कहा कि हाँ बेटा, आजकल आम का फसल बहुत अच्छा है, और वो अपनी बेटी को आवाज दिया कि अरे रज्जो लल्ला के लिए थोड़ा आम तो लेकर आओ। तो फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो फिर लेखक बदलू लेखक के तरफ देखकर उन्हें कहते हैं कि माफ करिए कर लल्ला कि मैं तुम्हें आम देना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो लेखक बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस साल आम बहुत खाया हूँ। तो बदलू कहता है कि वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा? तो आम खाए बिना ही तुम नहीं जा सकते, मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कौन? बदलू। किसके लिए? लेखक के लिए। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, बदलू ने, लेखक ने पूछा कि गाय कैसी है। तो गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिए, कहाँ से खिलाता? इतने में रचो अब उसकी बेटी अंदर से एक डालिया में ढेर से आम लेकर आई, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो ये बातचीत चल रहा था और रज्जो क्या करती है कि एक डालिया में बहुत सारे आम लेकर बाहर आती है। तो लेखक बोलते हैं कि ये बहुत सारे आम है, मैं इतना सारा आम नहीं खा सकता। तो बदलू कहता है कि वाह, वो हंस पड़ा, शरीर ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। तो बदलू कहता है, हंसकर कहता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो एक साथ में इससे 4 गुना ज्यादा आम एक साथ में मैं खा लेता था। तो आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक कहते हैं कि आप लोगों की बात कुछ और था। तो अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे, सिंदूरी वाली देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। तो बदलू कहता है अपनी बेटी को,
बढ़ा दिया, लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। तो किसके हाथ पर? रचो के हाथ पर। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चुड़िया बहुत ही फप रही थी। फप मतलब बहुत ही जच रहा था। गोरी गोरी कलाई मतलब हाथ पर वो चुड़िया बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर ये आखिरी जोड़ा मतलब अंत जो शेष लास्ट में जो बनाया था जो चुड़िया यही है। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। तो पहले से यहाँ पर लिखा है, पर मैंने बताया भी है कि बदलू को शादी ब्याह के घर में क्या क्या चाहिए। उसके बीबी के लिए, पत्नी के लिए कपड़े चाहिए, उसको पगड़ी चाहिए और बहुत सारे अनाज के साथ साथ उसको पैसे चाहिए। तो जमींदार साहब ने क्या किया कि उसको खाली 2 आने पैसे दे रहे थे, इसीलिए वो जोड़ा उसने जमींदार साहब को नहीं दिया था। और आज वो जोड़ा, जो चूड़ी का जोड़ा है, वो रज्जो उनकी बेटी पहनी हुई है। ठीक है, तो कहा शहर से ले आओ। तो किसने कहा? बदलू ने जमींदार साहब को कहा, इतने पैसे में तो मैं चूड़ियां नहीं दे सकता, इसीलिए तुम शहर से ही ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। तो जैसे कि मशीनी युग आया, बदलू का काम बंद हो गया, सारे देश भर मतलब सारे गांव में क्या हुआ कि सब कांच की चूड़ियां पहनने लगे। बदलू के लाख की चूड़ियां कोई खरीदता नहीं था, फिर भी बदलू को कांच की चूड़ियां पसंद ना थी और वो हमेशा से लाख की चूड़ियों के तारीफ करता था और आज भी करता है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक बोलते हैं कि आज भी बदलू कांच की चूड़ियों के खिलाफ है और लाख की चूड़ियों के तरफ वो बात करता है। उसकी जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप समझ भी गए होंगे। ठीक